गुड मॉर्निंग टू फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय ब्लॉग चैनल। हाय, कैसे हो आप सभी। और आज मैंने एक मिनी ब्लॉग बनाने का सोचा है। हम लोग नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पिकनिक के लिए जा रहे हैं, सभी बच्चों के साथ जाएंगे हम लोग और आपको भी लेके चलते हैं आज बायोलॉजिकल पार्क देखने के लिए। यार सर्दी है तो थोड़ा सर्दी का जुगाड़ कर लेते हैं अपन। आई थिंक हमारी ट्यूब खत्म होने वाली है, लेकिन फिर भी हम इसका पूरा निचोड़ निकाल के ही मानेंगे। निकल जाएगी यार, आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, डेली आती है इसके अंदर, और आ जाएगी आज का आ जाएगी। तो गाइस हमारा काम कंप्लीट, आज का हो गया। अब यार सिंगल रहते हैं और स्टूडेंट लाइफ में ऐसे चलता है, थोड़ा घर पे भी ऐसे चलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। घर पे कोई अलग से आते हैं हम लोग सब जगह। चलो ठीक है यार, पानी भी गर्म लगा देता हूँ ताकि अब जल्दी से तैयार रेडी हो जाऊँगा मैं, है ना। सर्दी का टाइम है यार, क्या करें, पानी तो गर्म करके ही आना चाहिए। ये हमारी रोड लग गई है, ये हमने स्विच ऑन कर दिया है। नहीं गर्म हो रहा है तब तक अपन कुछ पढ़ लेते हैं, ताकि आज का दिन ऐसे लगे नहीं कि अपन ने कुछ वेस्ट किया है, या एंजॉय तो करना ही है साथ में। थोड़ा क्या स्टूडेंट्स की कीड़ा रहता है कि यार आज का दिन थोड़ा ऐसे ही मस्ती में चला गया, तो थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं पढ़ाई को भी, भाई वो भी नाराज नहीं हो कि पढ़ाई नहीं की आज मैंने, ठीक है। मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो ठीक है, आज पढ़ाई भी करके आया हूँ। फ्रेंड्स, मैं रूम से निकल चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं बस्ती के अंदर जहाँ हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वहाँ जाके बच्चों से मिलते हैं, कौन कौन आ गया है वो सारी चीज़ें देखते हैं। ओके, तो मैं आप सभी को उनसे मिलाऊँगा। तो मैं पहुंचने वाला हूँ, ये हमारे पास का पार्क है, ये मेरी कॉलेज है इस साइड में, पीछे की साइड में दिख रही होगी आपको, ये यूनिवर्सिटी है इस साइड में, और मैं आपको लेके चल रहा हूँ। और ये हमारा प्लेग्राउंड है जहाँ पे हमारे इंडोर्स आउटडोर गेम्स पेपर्स के अंदर होता है, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, चल रहा है, बाकी वैसे कुछ सिस्टम है नहीं यहाँ पे। इस बिल्डिंग के अंदर हमें अलॉट की हुई है बट कोई काम की नहीं है, मतलब कि इसमें कुछ कर नहीं सकते अभी तक, हमारे को अलॉटमेंट नहीं मिला, ओनली फॉर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम यहाँ पे प्ले ग्राउंड है हमारा। इंडोर गेम्स इस बिल्डिंग के अंदर होते हैं और इस साइड में ग्राउंड है, आपको दिखेगा नहीं अभी तो, मैं कभी बाद में दिखाऊंगा। दूर से देखने पे ये प्रतीत हो रहा है कि कुछ टीचर्स आ चुके हैं, लवली मैडम आ चुकी है और हमारी बस भी आ चुकी है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये पीछे ट्रैक्टर और ये हमारी बस, ये कुछ टीचर्स मैडम्स वगैरह आ चुके हैं, ये बच्चे भी आ चुके हैं, ये लो जी सब लोग आ चुके हैं। सबसे मिलाता हूँ मैं आपको। या सर, या जरूर। हाय लल्लू मैम, हाय हाय सर। अरे वाह सर, कैमरामैन तो हमारे साथ है, फिर क्या दिक्कत है। गाइस अभी हम व्लॉगिंग शूट कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद में मेरे को पहले फोटो खींच आई है, ठीक है सर, आपसे ले लेंगे। ओके सर, हाय मैम, कैसे हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। गुड मॉर्निंग, ये हमारे बस्ती के बच्चे हैं सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और सर जी कैसे हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। अमित सर कैसे हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप। बहुत बढ़िया है, तू बता कैसा है। अच्छा है सर, अच्छे हो क्या। प्यारे बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, गंदे हो तो। तो गाइस ये हमारी बस है, इसके अंदर हम जाएंगे आज। और ये हम है राहुल सर और U20 की टीम बच्चों को गाइड करते हुए, बच्चों को बस में सीट दिलाते हुए राहुल सर। तो सर चले क्या, चले चले मैम, चले बच्चों, चलो 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 चलो। तो दोस्तों फाइनली हम बस के अंदर बैठ चुके हैं और अब हम नाहरगढ़ के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, थोड़ी देर में है। बस के अंदर भूपर की व्यवस्था पहले ही कर ली गई थी हमारे द्वारा और हम गाते हुए नाचते हुए पूरे रास्ते एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम नाहरगढ़ पहुंचने वाले हैं और ये हमारी बस अंदर जाने वाली है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर। अंदर चलते ही हमें शेर के दर्शन हुए सर्किल के अंदर, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। बच्चों
तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। फाइनली हम लोग नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पहुंच चुके हैं। ये लवली शर्मा, मैं राहुल प्रजापत, ये हमारी टीम मेंबर्स, नाम याद नहीं, अमित सर, और ये भानु सर, और ये कोमल मैम है। ये कोमल मैम है, तनु मैम। नाश्ता चल रहा है, नाश्ता दिया जा रहा है इसके अंदर। समोसा कैसा लगा? मजा आ रहा है? नहीं मजा आ रहा है, नहीं आ रहा। तो दोस्तों, जाते ही हमने हिप्पोपोटामस के दर्शन किए, और ये देखिए पानी से बाहर आ रहा है हिप्पोपोटामस। अभी आपको दिखाया जाएगा, इसका मुंह दिखाया जाएगा, कैसे खोलता है, कितना बड़ा मुंह है, और कैसे खाना खाता है, कितना बड़ा होता है, सब कुछ दिखाया जाएगा। हिप्पोपोटामस को हिंदी में दरियाई घोड़ा या जल हस्ती कहा जाता है। इसका वजन जो मेल होता है, पुरुष होता है, उसका 1500 से 1800 केजी होता है, और जो फीमेल होती है उसका 1300 से 1500 केजी वेट होता है। और इसकी जो लाइफ स्पान, जीवन काल होता है, वो 40 से 50 साल का होता है। हिप्पोपोटामस को देखने के बाद एंजॉय विद केशव सर और अमित। आजा भाई, आजा। तो दोस्तों, अब हम नारगढ़ जूलॉजिकल पार्क की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। यह 1.5 किलोमीटर का रास्ता है नीचे से ऊपर की तरफ। ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं है, बाकी यहाँ ई रिक्शा और सफारी बस वगैरह की व्यवस्था अवेलेबल है। और बीच में एक भैरू जी का मंदिर भी मिलेगा, जहाँ सिगरेट शराब का भोग लगाया जाता है। आपको आराम से चले जाते हैं। और अभी कैसे कैसा था? 2023 खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये देख लो कि मैं पहली बार नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आया, मैं अभी फर्स्ट टाइम ही मेरा। तो गाइस देखिए आगे का व्यू कैसा है, सकरा सकरा रास्ता, सकरा सकरा। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? पत्थरों की कटिंग करके ये रास्ता बनाया है। जब तक सूरज चांद रहेगा, 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 जब तक सूरज चांद रहेगा। कैसा लग रहा है आप सभी को? गाइस ये नारगढ़ जूलॉजिकल पार्क में हम चल रहे हैं। देखिए कितना घना जंगल है यहाँ पे। यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी है स्टार्टिंग में। हाँ सर, तो सर व्यवस्था कैसी है यहाँ की? एक नंबर है, सब टेंट की व्यवस्था की। आप सो सकते हो, रात में शेर आकर आपको पानी पिलाता है। अच्छा, और आपको खाना भी वही खिलाता है, और खाना भी वही खाता है। अच्छा अच्छा, इसलिए लोग अपना बिस्तर लेके आए, खाना पीना भी लेके आए, जो शेर को खिला सके, वरना तुम्हें खा जाएगा। ओके सर, ओके सर। और फिर बीच बीच में कभी कभार वो ना चेक करना है, स्पेशल डाइट लेके आना है। अच्छा, डाइट तो बहुत सारी चीजें आपका दे सकते हो, आप एक पैक दे सकते हो। अच्छा अच्छा, उसको गर्दन लगती है तो सबसे पहले गर्दन दे सकते हो, उसके बाद क्या करेगा, रात को आप कैसी सेवा पानी करेगा, आपको यहाँ पे सुनाएगा अपने पढ़ा रखा उसने, तो वहाँ आप अच्छी तरह से रह सकते हो, उसके साथ सो सकते हो, पर आपको पता नहीं चलेगा कि आप उसके साथ हो। अच्छा, क्योंकि आपका यहाँ से खा जाएगा वो, ये वाला ठीक है। दिखाना सर क्या खाएगा? ये बैन होता है उनका खाने के लिए। ओके सर, ओके सर। और सर क्या होता है, वो लेग पीस भी खाता है ऐसे यहाँ, अगर उसको टेस्ट अच्छा लगता है तो ठीक है। सबसे पहले वो लेग पीस सर पतली ले खाएगा या मोटी ले खाएगा, वो उसको जो पसंद आएगा वही खाएगा। ये आपको सामने दिख रहा है एक जूलॉजिकल पार्क है, नारगढ़ जूलॉजिकल पार्क, उसके अंदर हम एंट्री लेने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको और अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे ई रिक्शा की भी व्यवस्था है, हम लोगों ने पैदल ही चलने का सोचा है कि पैदल ही आज ट्रैवल करेंगे, बड़ा अच्छे से मोमेंट को इंजॉय करेंगे। देख पा रहे होंगे ये गेट है जूलॉजिकल पार्क का, ये हमारे बच्चे हमारी U20 के एंटर होने वाले हैं इसके अंदर। ये लो जी, हम एंटर हो चुके हैं। अंदर का व्यू ये बाहर से। गाइस अब आपको दिखाएंगे भालू। भालू क्या दिखाएंगे? भालू बोला, भालू दिखा के, भालू बोला, अरे वाह, आई थिंक आपको दिख चुका होगा भालू तो। एक बोरा उस साइड में, दो है यहाँ पे ना। का वेट 55 से 140 केजी होता है, और इसकी स्पीड भागने की 56 किलोमीटर पर हावर होती है, और इसकी लाइफ स्पान, जीवन काल 40 साल का होता है, और इसकी साइज 150 से 170 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों अब देखेंगे अपन क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। देखिए ये बाहर ही लेटा हुआ है, इसके दिख रहा है आपको, ये अभी है ना आराम की अवस्था में, आई थिंक सो रहा है, और क्या पता ये कुछ अपने शिकार को ही तलाश कर रहा हो। पीछे की साइड भी देखिए, एक दो तीन
तीन तो पीछे हैं और एक ये आगे हैं और ये दूसरे वाले हैं और दूसरे साइड में ये अमेरिकन क्रोकोडाइल्स हैं। देखिए ये एक दूसरे के ऊपर कैसे पड़े हैं। देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कोई प्लास्टिक के पड़े हो, परंतु ये वास्तविक है। तो दोस्तों ये उदबुलाव है, यहाँ पे दिखा तो नहीं बट बाकी मैंने नेट से पिक्चर्स लिए जो आपको शो हो रही है। तो दोस्तों हमारी यात्रा लगातार जारी है और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे लोग यहाँ पर और समय का बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा और नई नई चीजें यहाँ एक्सप्लोर करने को मिल रही है, नए नए एनिमल्स हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सामने। तो दोस्तों अब मिलेगा अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम सियार हो गया, लोइन हो गया, टाइगर, इनको सबको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।